गौनाहा के खेल के मैदान में खेला गया फ्रेंडली फुटबॉल मैच। सेंट जेवियर्स रामपुरवा और सेंट जेवियर्स रामपुर के बीच मैच रहा काफी रोमांचक। रामपुरवा सेंट जेवियर्स मिशन स्कूल के फादर देवाशीष का रहा सराहनीय सहयोग। न्यूज 9 टाइम्स गौनाहा पश्चिमी चंपारण बेतिया से आसिक हुसैन की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय के खेल के मैदान में दिनांक 20 सितंबर 2023 शुक्रवार को मैनाटांड प्रखंड के रामपुर स्थित सेंट जेवियर्स मिशन स्कूल और गौनाहा प्रखंड के रामपुरवा स्थित सेंट जेवियर्स मिशन स्कूल के बीच एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। दोनों पक्षों के खिलाड़ियों का खेल प्रदर्शन काफी रोचक रहा। बताते चले कि निर्धारित समय के अंदर दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष एक भी गोल नहीं कर पाया। तत्पश्चात खेल जारी रखने के लिए दूसरी बार पुनः 10 मिनट का समय दिया गया, फिर भी दोनों पक्षों में से किसी ने भी एक भी गोल नहीं कर पाए और गोल का गिनती 0-0 रहा। वहीं रेफरी सुमित कुमार के द्वारा बताया गया कि जब दोनों पक्षों की तरफ से कोई गोल नहीं किया गया तो अंत में ट्राई ब्रेकर का सहारा लेना पड़ा और ट्राई ब्रेकर के दौरान मैनाटांड प्रखंड के रामपुर मिशन स्कूल के खिलाड़ियों ने 3 गोल से मैच जीत लिया, जबकि गौनाहा प्रखंड के रामपुरवा मिशन के खिलाड़ियों ने एक भी गोल नहीं कर पाए। इस तरह अंत में खेल काफ़ी रोमांचित हो गया। वहीं खेल के मुख्य अतिथि गौनाहा प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवजन्म राम से रामपुर मिशन के विजेता टीम को और उप विजेता टीम रामपुरवा मिशन के खिलाड़ियों को गौनाहा थाना के SI सुदामा कुमार के हाथों शील्ड प्रदान किया गया। वहीं दोनों पक्षों से फादर सेवी, फादर आनंद, फादर देवाशीष, ब्रदर राजन, खेल के रेफरी सुजीत कुमार, बीरू कुमार, राकेश कुमार, BDO शिवजन्म राम, स्वच्छता पर्यवेक्षक अमित कुमार उर्फ गुड्डू कुमार, SI सुदामा कुमार आदि लोगों ने एक दूसरे को अंग वस्त्र और मेडल इत्यादि देकर सम्मानित किए। वहीं खेल का कमेंट्री अंकित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। वहीं शिक्षक सज्जन कुमार, संतोष कुमार, वसीम राजा आदि लोगों का कार्य भी सराहनीय रहा। इस तरह मैनाटांड के फुटबॉल खिलाड़ियों यानी कि विजेता टीम के अंदर काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं अमित कुमार उर्फ गुड्डू कुमार ने अपने सुझाव भाषण के खिलाड़ियों को बताया कि खेल एक संयोग है, हार जीत लगे ही रहते हैं, जो टीम खेल हार गया है वो अपना प्रयास जारी रखे, खेलते रहें, उन्हें भी सफलता ज़रूर मिलेगी। न्यूज 9 टाइम्स। जेवियर गौनाहा और सेंट जेवियर रामपुरवा के बीच में एक बहुत ही सुंदर फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ प्रखंड ग्राउंड गौनाहा में। दोनों ही टीमें पूरे खेल के अवधि में बराबरी पर रही 0-0 का, और लास्ट में ट्राई ब्रेकर का सहारा लेना पड़ा और ट्राई ब्रेकर में रामपुरवा की टीम विजयी हुई और एक अच्छा माहौल देखने को मिला। ये सुंदर क्षेत्र में इतना सुंदर आयोजन, ये निश्चित रूप से एक दिन अच्छे खिलाड़ी इस क्षेत्र से तैयार होंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुमित है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ। हम देखे हैं कि बच्चियां, यहाँ भी सुमित भाई जानते हैं कि बच्चियां यहाँ से उड़ीसा तक अपना डंका बजा के आई हैं। इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान, उन्होंने एक ऐसी एनर्जी दी थी। एक बार जोरदार ताली हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए।